जायकेदार पकवान का नाम भी ग्रैंड फैमिली रेस्टोरेंट, जहां मिलेंगे आपको हर तरह के वैरायटीज का खाना जो आपको उंगलियां चबाने पर कर देगा मजबूर। खाने के इस खजाने में आपके बर्थडे, कई तरह की पार्टियां और अपनों के साथ मिल बैठ के बिता सकते हैं खुशियों के पल। बी ग्रैंड फैमिली रेस्टोरेंट, सेंट्रल बस स्टैंड बीजापुर। स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में, मैं हूं आबिद हुसैन शेख। स्क्रैप हुई बस को कैंटीन में बदला मैकेनिकों के हुनर ने। बीएमटीसी में 10 लाख किलोमीटर का सफर करके थक चुकी स्क्रैप बस को कैंटीन का लुक। जिन बस स्टेशनों और डिपो में कैंटीन नहीं है, वहां के बीएमटीसी स्टाफ को आराम से एक साथ 24 कंडक्टर और ड्राइवर्स को कैंटीन की सहूलत की तरह बनाई गई। इस बस को भोजन बंडी का नाम देकर कैंटीन की शक्ल में बदला। बस को मैकेनिकों के हाथों के हुनर ने जहां साफ सुथरी जगह में धूप बारिश ठंडी के अलावा हर मौसम में आराम से बैठकर खाना खा सकते हैं। बीएमटीसी कर्मचारी जो शुरुआती तौर पर यशवंतपुर और पिनिया के डिपो में उतारे गए हैं, ये कैंटीन लुक वाले पुराने बस। ಇದರಿಂದ ಭಾಳ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಅಂತ ಬಂದು ಬರ್ತೀವಿ, ಬಂದಾಗ ಊಟ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಇರಲ್ಲ. ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಇದ್ದಾಗ ಆರಾಮಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅವರು ನಮ್ಮ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಗಲಿ ನಾ ಡ್ರೈವರ್ ಆಗಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಎದುರು ಬದ್ರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೋದು ಸರ್. ಅದರಿಂದ ಭಾಳ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ ಅನ್ನು ಸರ್, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್. ಊಟ ಮಾಡಿ ಸರ್, ಇದನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸುಮಾರು ಒಂದು 15 ರಿಂದ 20 ದಿನ ತಾಂಡು ಹಂತಂತವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸೇರ್ ಮಾಡಿರೋದು, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಯಾರು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ 15 ಲಕ್ಷ 12 ಲಕ್ಷ ಓಡಿರೋ ಗಾಡಿಗಳನ್ನ ಅನುಪಯುಕ್ತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡೆ ತಯಾರು ಮಾಡಿರೋದು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಮಾಡಿರೋದು. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಾಹೇಬರು ಸಹಕಾರ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಸರ್, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತುಂಬ ತೃಪ್ತಿ ಆಯಿತು. ನಾವು ಮಾಡಿರೋ ಗಾಡಿಲಿ ನಾವು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡಿರೋದು ನಮ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನಿಸ್ತು ಸರ್. ಅವ್ರ ಖಬರೋಂ ಕೆ ಲಿಯೇ ದೇಖ್ತೇ ರಹಿಯೇ ಬಿ ನ್ಯೂಸ್ ನೇಷನ್. आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में यूनिस लोन, कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में, ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है भूरा होकर निकल जाएगा. जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते वहां पर ये दवा काम करती है.